अब्दुल अलीम खान के बाद लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की बात करते हैं जो कि मुखालफीन पर बरस पड़े। बोले, चौधरी परवेज इलाही ने हमारे 12 वोट्स पर नकब लगाई है। ओपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी ना होना ऐवान की तौहीन है। परवेज इलाही ने पंजाब बैंक लूटा, मेरा साफ पानी केस में ताल्लुक नहीं। अरकीन असेंबली के दस्तखत को शक की निगाह से देखा गया, ये इस ऐवान की तजलील है। स्पीकर पंजाब असेंबली को ये बताता चलूं कि हमने आपने उस दिन हमारे 12 वोट पर नकब डाला जो डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में पूरे हुए, और आज वफाक में ओपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन कई दिनों से हो चुका है। अच्छा है कि मीडिया देखे ये तमाशा कि इसके डिले का कोई सबब नहीं था। मुझे नैब का नोटिस दोबारा वसूल हुआ है साफ पानी में, जिसमें ना मैं कोई चेयरमैन हूँ ना वाइस चेयरमैन हूँ। ज़रूर आप मुझे बुलाइए, लेकिन आज जो स्पीकर बन के इलेक्ट हुए हैं उनके हाथ पंजाब बैंक स्कैंडल में 11 अरब का स्कैंडल।